हेलो वेलकम, मैं रावल मेहमान आप सभी का स्वागत करता हूं इन द सेम न्यूज़ और बॉलीवुड कप शॉप। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 30 साल पहले नागपुर शहर को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी जड़ें, उनका एहसास, उनका दिल और उनकी मोहब्बत नागपुर से अक्सर जुड़ी रहती थी। चंद्रपुर में पैदा हुए, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का नाम मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गाँव मुरसा। मुरसा, एग्जैक्टली। और मेरे साथ है वन एंड ओनली वन द बेस्ट कॉमेडियन जो कभी आज तक बिलो द बेल्ट नहीं गए सर, जिन्होंने एक स्टेज को मंदिर माना है और वहाँ परफॉर्म करते हुए भगवान की प्रार्थना की है, जिन्होंने लाखों दिलों को हंसाया है, करोड़ों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वन एंड ओनली वन सुनील पाल। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों और तमाम दोस्तों, और खास कर ये मेरा नया दोस्त जो मान नाम है, जिसका मान नाम है, लेकिन इसको मैं मान गया क्योंकि इससे मिलने के बाद मुझे इतिहास भी सामने से गुजर रहा है और ऐतिहासिक बन जाएगी। थैंक यू सो मच, मैं ये काट के अपनी अलग से ब्रांडिंग करूंगा। और मेरे साथ मेरे शर्मा जी भी है। कपिल शर्मा को हटा दिया तो हमारे पास अभी रोमिल शर्मा यहाँ पर मौजूद है। इनका भी एक नया शो आ रहा है जिसमें इन बी सी एन हमारा मीडिया पार्टनर है। मैं अपनी ब्रांडिंग भी करते रहूंगा क्योंकि प्रमोशन जरूरी है, सैलरी ही से मिलती है। वाह, सही बात। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी जर्नी आपने की है चंद्रपुर से आना और नागपुर शहर में कई सालों तक रिक्शा चलाना, अपना पेट भरना, फिर अपने सपनों की तरफ दौड़ना, इतना बड़ा रिस्क कैसे? बचपन से ही मुझे मेरे अंदर एक कलाकारी का जो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कलाकारी की तरफ अपने आप को भागता हुआ देख रहा था। कलाकारी मुझे खींच रही थी अपनी तरफ। कहीं अगर गाना बज रहा है तो मैं नाचने लगता था, कहीं कोई फिल्म लगी है या कोई कुछ तो मैं वहाँ रुका रहता था, कोई पोस्टर लगा हुआ है तो मैं वहीं देख रहा हूँ, उसका एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर से बचपन से ही चलता जा रहा था। तो उसमें फिर ये हुआ कि गाने गाना, एक्टिंग करना ये ज़्यादा हो गया और पढ़ाई कम होने लगी, और मैं पढ़ाई में धीरे धीरे मेरे परसेंटेज कम होने लगे, मैं इसमें ज़्यादा होने लगा। तो घर वालों को सब पता चल गया कि अब ये फिल्मी कीड़ा बन चुका है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं। तो जितनी अफेयर का पता चल गया, मेरे अफेयर का जो मेरा प्यार जो सब पता, तो उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने हर कोशिश की समझाने की, साम दाम दंड भेद प्यार से समझाया, मार के समझाया, हर तरह समझाया। जब वो नहीं समझ गए तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि लड़का हाथ से गया, बिगड़ गया, इसके साथ मोहल्ले के किसी दोस्तों को, किसी लड़के को खेलने मत देना, ये उनको भी वैसे ही कर देगा अपने तरीके। और ऐसे इस तरह से मैं बदनाम हो गया, मतलब इतना अपने प्रोफेशन में नाम कमाने चला था, शुरू में बदनाम हो गया। एनी वेज, तो बस जैसे समय गुजरता चला गया, छोटे छोटे स्टेज शो फंक्शन में यहाँ वहाँ इधर। पहला जब मैंने किया था परफॉर्मेंस, डांस का किया था, हिम्मत वाला फिल्म आई थी, जीतू जी का डांस किया था। लड़की नहीं है तू, लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर, नाक तेरा लंबा है। ओए ओए। इस गाने पे मैंने डांस किया, क्या बात है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इसमें फर्स्ट आया। सर बनता भी, क्योंकि अभी आपने चेहरे से इतनी एक्सप्रेशन दी थी। नहीं, वहाँ पर जो बाकी जो डांसर थे वो मुझसे बुरे थे। तो मुझे पहला जो इनाम मिला वो स्टील का कटोरा मिला, मतलब कंबख्त वालों ने दिया भी तो कटोरा दिया। ये कटोरा लेके जो पिताजी के पास गया, उनका पिताजी मुझे कटोरा मिला है, तो पिताजी का वेरी गुड, अब ये कटोरा ले और दर दर जा, तेरा काम शुरू हो गया। कहीं ना कहीं पिताजी कहना चाहते थे कटोरा ले और जहाँ जा सकता है वहाँ मांग, जो मांग सकता है मांग, चाहे विद्या, चाहे काम, चाहे कुछ भी। तो पिताजी स्टिल आई एम वर्किंग, और ये जो आपका चटोरा है इसने उस कटोरे में प्यार बटोरा है। क्या बात है, अभी भी चल रहा है। पहली बात जब आपने कहा कि घर वालों ने कहा कि हाथ से निकल गया, सर आप कैसे हाथ से निकले? आपका हाथ तो ऊपर वाले ने थाम लिया था, तभी तो आपकी जर्नी इतनी बेहतर हुई है। और शायद कटोरा आपको खाली इसलिए मिला था, मेरे को ऐसा लगता है कि उस कटोरे में इतनी सारा प्यार और कॉमेडी भरा हुआ था जो आपने पूरे हिंदुस्तान को बांट दिया, और आज लाखों करोड़ों जो आपके दीवाने हैं हिंदुस्तान में, वो सब इसी वजह से है, उस कटोरे के वजह से, जिसमें बहुत सारी ये जो चटोरा है, इसका पहला इनाम कटोरा है जिसमें इसने दुनिया का प्यार बटोरा है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। नया शो आ रहा है, आप लेकर आ रहे हो एक ऐसा कंसेप्ट है, मैं जानना चाहूँगा कंसेप्ट क्या। जो शो आ रहा है, शो का नाम है एशियन टॉप सुपर मॉडल सीजन वन, और दूसरा शो है चल नाच इंडिया। तो ये दोनों शो एक ब्यूटी पेजेंट है मॉडलिंग के लिए है, जिसमें मॉडल्स हो गए, फैशन डिजाइनर्स हो गए, मेकअप आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके अलावा जो डांस का है, ये डांस का एक रियलिटी शो नहीं है, लेकिन रियलिटी शो जैसे ही किया जा रहा है उसी तरीके से दोनों सीजन वन है।
और इन दोनों ये शो के दोनों शो के ग्रैंड फिनाले मुंबई या नागपुर में मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, जिसका आउटडोर सॉरी ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पार्टनर जो है वो NBCN चैनल है। फिर से बात बताना चाहूंगा, NBCN मीडिया पार्टनर रहने वाला ये शो सर तो जिसमें हमारे सुपरस्टार सुनील सर, जिसमें हमारे एक ज्यूरी पैनल पे रहने वाले हैं और भी कई मल्टी स्टारर इसमें हैं, जैसे रोहित वर्मा हैं, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर हैं, इसके अलावा भी कई सारे स्टार्स हैं, धीरे धीरे आप सबको नाम उनके पता चल ही जाएंगे। और मीडिया पार्टनर NBCN न्यूज रहने वाला है। NBCN और पहली शुरुआत नागपुरी ऑडिशन से की जा रही है हमारे विदर्भ नागपुर से, जो 3 मार्च को होगा नागपुर में, जिसका सच में ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर भी NBCN है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई दूसरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, सारे आंसर दे दिया मुझे कोई सवाल, अब आराम से बैठने के लिए मतलब चाय वाय मंगा दीजिए सर, पानी वानी। बिलो द बेल्ट अबव द बेल्ट कॉमेडी की बात करेंगे, और आज की जनरेशन को जो गालियां पसंद आती है, जो घटिया जोक्स पसंद आते हैं, ऑफकोर्स हम भी यूथ है, हमें भी ऐसा लगता है कि यहाँ फन क्रिएट हो रहा है, यहाँ नहीं, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको? पर डिफरेंस तो देखिए क्या है, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि बहुत लोग जिस तरह से कहते हैं कि यार ये पुरानी सोच है या पुराना तरीका है या पुरानी बात, अब नया आएगा, नए में तो मैं समझता हूँ कि और नए आइडियाज़ लाओ, आपके पास में हमारे पास तो नदी थी, हम कुएं के मेंढक थे, आपके पास तो समंदर है और सात समंदर है, उसके पार जाओ और भी निकालो और गोता खाओ और कुछ निकालो, लेकिन बहाना करके कि आज की ऑडियंस ये पसंद करती है, आज का यूथ यही पसंद करता, नहीं भाई साहब, मैं इनसे ज़्यादा कॉलेज के शोज़ करता हूँ, आज भी करता हूँ, हमारे आरडी ने कितने सारे शोज़ मुझे करवाए हैं, और फैमिली शोज़ में ज़्यादा करता हूँ, कहीं किसी की शादी किसी का बर्थडे मैं वहाँ करता हूँ, मैं फेस्टिवल करता हूँ, मतलब दुनिया का कोई ऐसा शो नहीं है और दुनिया में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ शो करने के लिए, और भगवान की कृपा से चाहे मैंने शो आमिर खान साहब के साथ किए हो, लगान का वर्ल्ड टूर किया हो, चाहे शाहरुख साहब के साथ किया हो, चाहे सोनू निगम साहब के साथ स्टेडियम शो किया हो, चाहे कुमार शानू साहब, मतलब ये बड़े बड़े कलाकार साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, और हर टाइप की ऑडियंस में ये चीज़ मुझे उनका प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, कि मैंने हमेशा ये समझा जो मेरे उस्तादों ने मुझे कहा है कि स्टेज पर जब जाते हो तो स्टेज को अपना मंदिर समझो और दर्शकों को भगवान समझो, वो है तो हम हैं, वो हंसते हैं इसलिए अपना हमारे घर बसते हैं, वो भीड़ नहीं हमारे लिए लीड है, वो क्राउड नहीं हमारे लिए प्राउड है, तो उनको आप सम्मान दो क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर आए और आपको सुन रहे, तो स्टेज पर जाते वक्त आपके पास में हमेशा दिल दिमाग आंखें आवाज़ नेचर नियत और कंटेंट आपका साफ सुथरा होना चाहिए, दिल दिमाग आंखें आवाज़ नेचर नियत और कंटेंट साफ सुथरा होना चाहिए, तो यही वजह है कि आज 15-16 साल से हम लोग लाफ्टर चैनल के लगा, मैं ही नहीं तमाम हमारे दोस्त जितने दोस्त काम कर रहे हैं वो उनको फैमिली के तरह फैमिली समझा जाता है और फैमिली में फैमिली लुक्स देखने आती है, चाहे मैं किसी भी देश में जाऊँ किसी भी छोटे से गांव में जाऊँ हर जगह पे मुझे प्यार मिलता है, तो ये जो गाली गलौज करने वाले जो लोग हैं ये सिर्फ बहाना करते हैं कि आज की ऑडियंस ऐसा करते हैं, उन्हें मेहनत नहीं करना है, उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं लाना है, उनको लगता है कि मैं बातचीत में एक गाली दे दूँ तो चार लोग हंस रहे हैं, वो तो छोटे से बरामदे में यूट्यूब में होता है, लेकिन मामला यहाँ पर 80 बनाम 20 का है। एग्जैक्टली 80% लोग अभी भी फैमिली ओरिएंटेड है, प्योर कॉमेडी सुनना चाहते हैं, और कोई भी हो, यूथ तो सबसे ज़्यादा सुनना अच्छा सुनना चाहता है, ये तो यूथ नहीं है जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं, जिनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भटका हुआ यूथ है। तो जैसे मैंने इस पर एक जोक भी बनाया था कि हमारे मोहल्ले में एक शराबी आता था, गाली गलौज करता था, तो पूरे मोहल्ले वाले उसके गाली पे हंसते थे, और जब हंसना बंद हो जाता था बाद में उसको मार के भगा देते, तो शराबी बोलता था आज मेरे को मार के भगा रहे हो, मेरा श्राप है तुमको, एक टाइम आएगा जब मेरी नाजायज औलादे स्टेज पर ऐसे ही मेरी तरह गालियां देके लोगों को हंसाएगी और तुम लोगों की नाजायज औलादे टिकट खरीद के उसको देखने जाएगी, तो ये उस ब्यूड़े की बद्दुआ लगी, तो कहीं ना कहीं इनको क्या लगता है कि ये लगता है कि अरे हम कूल है गाली देते, अरे गाली देने के लिए हमारे विदर्भ इनके पास में गाली कभी है क्या? है ना, हम लोग तो गालियां बनाते हैं अलग अलग गालियां हमें फोन करती, पिताजी हमें क्यों पैदा किया, तो हम तो गालियों के पिता है। गालियों के बाप है हम लोग, लेकिन हमें वो बहाना करना नहीं है, हमें काम और अब देखिए ना रेशो भी देखिए, एक ही लता मंगेशकर होती है जो काम में पागल, अपने काम का नशा है,
एक ही अमिताभ बच्चन होते हैं जो कभी इस टाइप के फालतू चीज़ों पर भी नहीं जाते, एक ही सचिन तेंदुलकर होता है, एक ही जॉनी लीवर होता है, एक ही उमर शरीफ के नायकर होते हैं। ये भीड़ है, ये जितने लोग हैं ना, ये आएंगे ऐसा टाइम पास करेंगे चले जाएंगे, ये एज गुड एज आतंकवादी। मुझे तो लगता है कि आतंकवादी की जैसे सज़ा होती वही इनकी होनी चाहिए, क्योंकि समाज में आतंकवादी भी नस्लों को ख़राब कर रहा है और ये लोग भी नस्लों को ख़राब कर रहे हैं। क्या बात है, कहीं ना कहीं इनकी सज़ा भी वही होनी चाहिए, जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। एग्जैक्टली। मैं ये जानना चाहूँगा कि कपिल शर्मा शो के बारे में बहुत सुना है जी, और आपके बहुत अच्छे दोस्त भी है वो कपिल शर्मा, और उनके एकदम खास फ्रेंड थे जो सुनील ग्रोवर, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, ऐसा क्या कहना चाहोगे कि आज ये लड़ाई सुलझ जाए? वेल, एज अ डॉक्टर मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि ये दोनों के बीच में जो लड़ाई है, जो इसका टेस्टिंग चालू है। देखिए क्या है कि है तो दोनों इल इल, समझते ना इल, बताइए इल मतलब बीमार है, प्यार के बीमार। अच्छा, इंग्लिश वाले इल। कप इल, सुन इल। ऑल राइट सर, आपकी बातों में बहुत गहराई है, मुझे पहले गोते लगाना पड़ रहा है उसमें, मैं सोच रहा हूँ कहीं नाव मिल जाए तो मैं तैर जाऊँ थोड़ा सा। तो ये प्यार की बीमार है। अच्छा, और जो प्यार का बीमार होता है ना, वो आप देखिए उस उनको उनकी खटपट चलती रहेगी, जो जो पत्थर दिल होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्यार वाले इमोशनल लोग होते हैं ना वो उनकी खटपट चलती रहती। तो दोनों की ऐसी कुछ खटपट है, किसी दिन मुझे लगता मिल जाएंगे, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन दोनों बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। और मेरे सुनील गौरव तो मेरा स्ट्रगल का दोस्त है, स्ट्रगल पीरियड के हम लोग दोनों साथ में फुटपाथ पे, तुम किधर जा रहे हो, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, स्ट्रगल करते थे हम लोग। आज जो जिस मुकाम पर मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। और कपिल को तो मैं इस धरती का बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन मानता हूँ, कि इतने साल से 10 साल से आज शो लेके चल रहा है, हिट है, बहुत खाने का काम नहीं, मामूली चीज़ नहीं, कंसिस्टेंट किसी के साथ काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। सर, अब तक ऐसा है कि एक कॉमेडियन के लिए अब तक लोग ऐसा समझते हैं कि स्टेज पर जाना है, कुछ बोलना है, जोक सुनाना है, लोग हंसे और ख़त्म। एक कॉमेडियन के लिए कितना डिफिकल्ट होता है उन पब्लिक को हंसाना, वो जानना चाहता। जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि ऑडियंस को पहले तो आप किसी भी तरह से आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, ऑडियंस को हमेशा रिस्पेक्ट करो। ऑडियंस आपके लिए समय निकाल कर आई है, आपको सुनने आई है, इस भावना की कदर करो आप। और जब आप उनको वो चीज़ उस रिस्पेक्ट से देखोगे तो वो ऑडियंस आपको प्यार से अपनाएगी। जैसे ना बच्चे के माँ बाप जो है, बच्चा कितना ही गलती करे, कुछ करे, माँ बाप उसको प्यार से ही ट्रीट करते हैं। तो आप बच्चा बन जाओ, आप उनके लाडले बच्चे बन जाओ, आप ही माता, आप ही पिता, जो कि सच भी है। माता पिता के सामने आदमी बताने की जरूरत नहीं कि आप मेरे माता पिता हो, वो एक नेचुरल इम्यूनिटी पावर काम करता है, ठीक है, ग्रेविटी पावर काम करता है। तो ऑडियंस को ना आप, मैं जिसे मानता हूँ ना, या मेरे गुरु से मैंने सीखा, उनको सब कुछ समझो आप, भैया आप ही वर्ष हमें, आप बड़े हैं, आप ये, आप हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं, ये है, आप समय निकल कर आए, अब आप मुझे संभाल लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं आता, जो भी प्यार से टूटा फूटा पेश करूँगा उसे संभाल। ऑडियंस को जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो फिर आपको ऑडियंस प्यार देगी। जब आप अकेले का रिस्पेक्ट आप हज़ार लोगों को दे रहे हैं, सोचो हज़ार लोग जब आपको रिस्पेक्ट देंगे तो क्या होगा, क्या बात होगी, क्या माहौल बनेगा, क्या माहौल। तो उस माहौल को समझना जरूरी है किसी भी कलाकार को, जो हमारे गुरु ने हमें समझा। ये बात मेरी अपनी नहीं है, मैं पारंपरिक दौर से हमारे गुरु ने मुझे समझाया, जैसे जॉनी भाई ऐसा करते हैं, जिमी मोजेस जो हमारे गुरु हैं वो सब ऐसा करते हैं, और यही करना चाहिए। ऑडियंस को अगर आपने ये सोचा कि अरे तू कैसा रहे, तू कैसा रहे, तू क्या कर रहे, अरे तू क्या कर रहा है, तो भैया ऑडियंस के पास कलाकार की कमी नहीं है, कलाकार के पास ऑडियंस की कमी हो सकती है। एग्जैक्टली। आप एक बार मार्केट से आउट हो गए तो फिर दूसरा कोई आएगा, लेकिन ऑडियंस वही है, ऑडियंस को तो ये चाहिए। तो अपने आप को ज़्यादा होशियार ना समझो, ऑडियंस ही आपकी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो इसलिए पुराने कलाकार कहते थे दर्शक माई बाप। क्या बात है। एक इंसिडेंट याद है, थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे बताया, मतलब एक क्वेश्चन में डाल दो कि यार के सर से मिले थे, मैं स्टूडियो जाना चाहता हूं। भाई देखो आज टैग करने वाला हूं उनको। भाई देखो आज जो इसका रिव्यू देने वाला हूं, ये जो बंदा है, नहीं नहीं लोग इसे अड़ियल कहते, लेकिन मैं इसे दड़ियल कहता हूँ, और ये बहुत अच्छा इंटरव्यूअर है और अच्छी इंटरव्यू लेता है, परसों इसने गंदा सा टी शर्ट पहना था, इंटरव्यू भी हो रहा था, लेकिन चलता है, ये बंदा अपने आप में कमाल है, ऐतिहासिक बंदा है,
और वो इसके इंटरव्यू में मुझे मज़ा आता है, सवाल बहुत करता है, क्या तू अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है? 14 सवाल कीजिए, 14 रुपये नहीं दिया इसने, ये किस टाइप का कंगालपति लग रहा है मुझे भाई, मुझे तो ये आज के रिव्यू में लग रहा है कि ये फिक्स है, ये बनाया गया है, मेरी तरफ से इसको जो भी रेटिंग देना चाहूँ वो बाद में दूंगा, कहीं ऐसा ना कि चालू शो में ये मुझे दे दे जो मैं इसलिए गरीब हूँ क्योंकि मेरी सैलरी नहीं हुई है नहीं कमाल खान साहब जो है वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त है, और वो जो भी रिव्यू देते हैं हमें मजबूरी में कहना पड़ता है कि कमाल का रिव्यू है यार, कमाल का रिव्यू है, कमाल का रिव्यू है, ये उनके नाम का फ़ायदा होता है। एक बार वो मुझे एयरपोर्ट पर मिल गए थे तो उनके साथ फ़ोटो लिया और कैप्शन दिया था कि दिल में खोट रख के अगर SRK को ढूंढेंगे तो KRK ही मिलेगा। ये जानना चाहूँगा कि पुष्पा मूवी को लेकर आप बड़े ही मतलब प्यार हो गया आप, मेरे को जैसा लगता है आपको पुष्पा मूवी से, मैं जानना चाहता हूँ नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, सब जो गर्विदा है उसको निहारे तू, सब जो दर्दीदा है उसको टाले तू, तेरी झलक अशरफी शिवल्ली नैना मगद मुर्फी। बहुत प्यारा गाना है, और लोग इस गाने में मुझे लगता है रतन ने मुझे कहा ये शराबी का गाना है, मैंने कैसे असर पी पीने का असर हुआ है तभी तो टेढ़ा चल रहा है, सीधा क्यों नहीं चला उल्लू अर्जुन, हे अल्लू अर्जुन नहीं हम उल्लू अर्जुन और तू लल्लू अर्जुन और ई कल्लू अर्जुन और लड़की जो जा रही हो पल्लू अर्जुन, तो अर्जुन से मैं बहुत खपा हूँ क्योंकि नंबर वन का बेवड़ा है, क्योंकि बेवड़ा है तभी तो दाढ़ी नहीं कटाई, नहाया नहीं है, पता नहीं जंगल में क्यों घूम रहा है, क्या चाह रहा है, और हाईलाइट ये कि पूरी फिल्म में झुका हुआ है, पिया हुआ ही आदमी झुका होता है, पिया हुआ और कह रहा है कि झुकूंगा नहीं, अब कितना झुकेगा भाई, और फिल्म के एंड में नारी शक्ति की जीत हुई है, बता रहा हूँ, बीवी को मंगलसूत्र पहनाते हुए कह रहा है झुकूंगा नहीं, तो बीवी ने कहा अच्छा फिल्म एंड, भावनाओं को समझो, बीवी ने कहा अच्छा तेरा एंड करती हूँ, पुष्पा का एंड वहीं हुआ, अब देखना पुष्पा टू क्या करेगा पुष्पा टू। क्या बात है सर, सर ऐसा कब हुआ कि आपकी बीवी ने आपको बहुत झुकाया? हमेशा ऐसे हमेशा सर, इतना दर्द एकदम त्रस्त पति नजर आ रहे हो सर आप ही इसमें तो शादी से पहले प्यार झुकता नहीं, उसके बाद यार झुकता है, ये किसी दिन तुम्हें मैं बताऊंगा, पत्नी पुराण जो है बहुत लंबा है, बस यही है कि शादीशुदा लोग जो होते हैं उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर वही होता है। क्या बात है सर, हर दिन रात आज़ादी के सपने देखता है। अरे लालू प्रसाद यादव के 11 बच्चे हैं तो उनके पास पत्रकार चले गए, बोले इतने सारे बच्चे आपने बच्चों को कंट्रोल करो, अपने आबादी को हम हर गिज घटा सकते नहीं, अपनी आबादी को हम हर गिज घटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन नस कटा सकते नहीं। तो नसबंदी वालों ने उसके बाद बंदी कर दी नहीं नोटबंदी कर दी। मैं जानना चाहता हूँ कि एक दौर था जहाँ आप रिक्शा चलाते थे, ठीक है, एक दौर है आज आप पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, लाखों करोड़ों युवा आपको फॉलो करता है, आपको देखता है, आपको देखकर सीखता है, आपको गुरु मानता है, जाते जाते आप पूरे हिंदुस्तान से क्या कहना चाहोगे जो एक भी भटका हुआ युवक हो जो बदल जाए, या कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत हो या एक साथ की ज़रूरत हो, तो आप ऐसा क्या कह दोगे कि उसको एक उम्मीद मिल जाए कि वो भी कुछ भटके हुए युवकों से? मुझे एक चीज़ याद आ गई कि संजय लीला भंसाली से पूछा किसी ने कि आपकी फेवरेट हीरोइन तो दीपिका पादुकोण है, इतनी ऊंची हीरोइन आपकी फेवरेट है, उसके बावजूद भी गंगूबाई काठियावाड़ी में आपने आलिया भट्ट को क्यों लिया? तो संजय लीला भंसाली ने जवाब दिया जो आप तो दोनों की तरह दड़ियल है, उसने कहा भाई देखिए स्टोरी की डिमांड है, ये जो कमाटीपुरा में जो लड़कियाँ आती है वो भटकी लड़कियाँ आती है, तो कमाटीपुरा की लड़की की स्टोरी है तो हमें भी भटकी लड़की चाहिए थी, महेश भट्ट की लड़की।
तो हमने महेश भट्ट की लड़की ली। अब ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने जो रिक्शा चलाया तो एक काम है, मैंने ऐसा कोई काम आई डोंट थिंक छूटा होगा ग्राउंड लेवल का कि जो मैंने किया नहीं है, चाहे ऑर्केस्ट्रा में सामान उठाना हो, बैग्स में लगाना हो, रिक्शा चलाना हो, सुबह सुबह डबल रोटी बेचना हो, उसमें भी जोक हो जाता है, मैं 7-8 साल का रहा होगा, 8 साल का, 9 साल का, सर के ऊपर डबल रोटी लेके गली गली घूमता था, जो डबल रोटी लो डबल रोटी, एक भी ओड़ा वही रहता था उन्होंने की तरह, इधर आवे वही भी दरबार, क्या वे इधर आवे तू आओ ना, क्या वे इधर आवे तू, मतलब डबल रोटी साले महंगाई की वजह से यहाँ पर खाने के लिए सिंगल रोटी नहीं मिल रही, तेरी डबल रोटी कौन खाएगा भे, हमें जाना भे। तो दाल मिल में काम करना हो, साप्ताहिक मार्केट जो संडे को रविवार मार्केट हाट लगता है उसमें सब्जी बेचने के लिए असिस्टेंट बन जाना हो, कांदे अलग करना, टमाटर साफ करना, ये सब चीज़ें करना, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने। ठंडी के सीज़न में जब ओपी भैया के टूर्स जाते थे तो स्टेज लगाना, स्टेज डिसमेंटल करना, इसमेंटल का काम था, हम ही लोग करते थे। तो लेकिन आज मैं जो कुछ काम कर पा रहा हूँ, जो भी आप कह रहे कि आज शोज और जो मेरा लिविंग स्टाइल है, दरअसल मैं उन दिनों को अपना गुरु मानता हूँ, उन्हीं चीज़ों में जो कुछ सीखा है वो आज मेरे काम आ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि कभी कोई उतार चढ़ाव या जीवन में कुछ अटपटा सा समय अगर आ जाए तो ये समझ लीजिए कि आगे चल के वो बहुत पे करने वाला है, बहुत अच्छा मुकाम देने वाला है। आज मैं स्टेज पर कोई रिक्शा वाले की एक्टिंग करता हूँ या शायद कोई शराबी की एक्टिंग करता हूँ या किसी कोई, तो लोग उसको रिलेट करते हैं, अरे हाँ ऐसे ही करता क्योंकि मैंने वो किया है, मैं प्रैक्टिकली मुझे पता है, या उन लोगों के साथ रहा हूँ, झोपड़े में रहा हूँ, 10 लोगों के बीच में रहा हूँ। अरुण हिवराड़े मेरा दोस्त है, 5 भाई थे बेचारे, उनके घर पर रहता था मैं तो छोटे से घर में, तो वो सारी चीज़ें आपको अब आज शक्ति देती है, क्योंकि वो वही चीज़ें जो है फिल्मों में एक्टिंग करोगे आप या कुछ भी चीज़ें, तो वो कलेक्टिवली बहुत काम आती है। तो वो जितना मुझे फुटपाथ में बॉम्बे में फुटपाथ पे रहा मैं, चाय की दुकान में काम करता था, तो वहाँ कैरेक्टर आते थे सिंधी गुजराती मराठी ये सब, तो वो सब गुरु बने मेरे, उससे मैंने सीखा। तो मुझे लगता है कि जो मेरा बुरा पीरियड नहीं था वही गोल्डन पीरियड था मेरा, वो मेरे लिए मैं यूनिवर्सिटी उसको मैं मेरे स्कूल समझता हूँ, मेन स्कूल मेरी वो थी जिसके से आज मैं अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ा रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी जितना भी हो सके हर परिस्थिति से, हर दोस्त से, हर मित्र से, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीख सकूँ। क्या बात है सर, सब वही आजकल के यूथ को ये समझ में नहीं आता है कि हर काम को छोटा समझने लगते हैं, उनको घाई है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की, इसलिए हमारे इंस्टाग्राम में आजकल न्यूडिटी ज़्यादा आ गई है, हम ये सब देखते हैं, और जो हमारे यंगस्टर्स है वो गालियों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो एक ठहराव होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, हर पड़ाव में ये समझना होगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर जिस काम से आपका घर चलता हो, आपका पेट भरता हो, वो काम सबसे बड़ा है। आसान काम जो है ना वो कोई भी कर लेगा, इसलिए युवाओं से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आसान चीज़ की तरफ मत जाइए। अगर गाली देकर लोग हंस रहे हैं या गाली आपकी उलझुल हरकत पर लोग हंस रहे हैं तो फिर वो वैसा कोई भी कर लेगा, आप नहीं हो तो किसी और से करवा लेंगे, कोई और तो किसी और से करवा लेंगे। आप एक्सेप्शनल बनिए, ऐसा बनिए कि आपके जैसा कोई नहीं, तभी आपको लोग आपके काम में एक स्थान देंगे, आपको मानेंगे, अदरवाइज़ हमेशा आपके ऑप्शन तैयार रहेंगे और आपको मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि लंबी सक्सेस या लंबा दौर मिलेगा। वही गाना बहुत अच्छा है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल, दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। यस, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और थैंक यू सो मच आज हमारे स्टूडियो की रौनक और शान बढ़ाने के लिए, और जितना भी यूथ है उनको एक सही रास्ता दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच। और मेहमान यहां से तो विदा मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ। टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए NBCN News, क्योंकि सच दिखाए बिना छुपाए।